हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी हाल ही में पीछे नेहरू युवा केंद्र के फॉर्म फिलअप किए दोस्तों, उनके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दोस्तों, आपका अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो फ्रेंड्स आप ये साइट देख रहे हैं दोस्तों, आपको इस साइट पे सबसे पहले मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप इस पे डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट आके दोस्तों आपको ये सब करना जो आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आप फ्रेंड्स साइट पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ, आप नीचे आ जाइए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड नेहरू युवा केंद्र हॉल टिकट। ठीक है, यहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, आपको जो पेपर होना है एसीटी का एग्जाम दोस्तों आपका 25 तारीख को होना है जनवरी में। ठीक है, डीवाईसीएस का एग्जाम दोस्तों आपका 29 तारीख को होना है जनवरी के महीने, इसी महीने मतलब। ठीक है दोस्तों, एमटीएस एग्जाम आपका दोस्तों 31 तारीख को होना है। ठीक है, और जो दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर है एसीटी का, इसकी फ्रेंड्स आपका जो पेपर होगा दोस्तों 10 से 12 के मतलब बजे होगा। ठीक है, मतलब सिंगल शिफ्ट में। ठीक है, दोपहर वाले में। और दोस्तों डीवाईसी का जो आपका एग्जाम दोस्तों होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, 10 से 12, 2 से 4। ठीक है, और जो आपका दोस्तों एमटीएस का एग्जाम होगा दोस्तों वो 3rd शिफ्ट में होगा। ठीक है, 3 शिफ्ट में, 8:30 से 2, 10:30 बजे तक। ठीक है, 12:30 से 2:30 बजे तक, 4:30 से 6:30 बजे तक। ठीक है, और दोस्तों नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एनवाईकेसी डीवाईसी एग्जाम डेट दोस्तों, आपका जो पेपर होना है 25, 29 और 31 को होना है। ठीक है, 3 डेट में ये पेपर होंगे आपके। ओके, आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे एनवाईकेसी डीवाईसी एडमिट कार्ड 2019 लिंक, आपको दोस्तों इस लिंक पे क्लिक कर देना। डाउनलोड हेयर पे जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं रेड कलर में, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। जब फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आप सब देख रहे हैं दोस्तों, अब ये जो इसकी साइट ऑफिशियल खुल चुकी है। ठीक है, ऑफिशियल साइट है दोस्तों ये नेहरू युवा केंद्र संगठन की। ठीक है, तो फ्रेंड नीचे आ जाइए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर कॉल लेटर्स, आपको फ्रेंड्स के नीचे क्लिक कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं दोस्तों, आप ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ कॉल लेटर डाउनलोड। दोस्तों कॉल लेटर जो आपके होंगे 12 से डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए दोस्तों ये। ठीक है, जो उसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों 31 तारीख है, मतलब दोस्तों 31 जनवरी तक आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास अच्छा मौका है दोस्तों ये। ठीक है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिए अपना, ताकि दोस्तों आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉग इन क्रेडेंशियल, ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे हिंदी चूज कर लेना है। और नीचे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप करना है अपना रोल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ दोस्तों फिलअप करके इसके बारे में। फ्रेंड्स आप ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, दोस्तों अगर आपके पास रोल नंबर है तो आप वो फिलअप कर दीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर रहा हूँ अभी। इतना फिलअप करने में दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं पासवर्ड, आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, जो आपका पासवर्ड हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास पासवर्ड है अपना, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ अभी। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आप नीचे देखिए कैप्चा कोड, आपको ये भर देना है। ठीक है, इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं लॉगिन, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं आपका रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, आपका जो पद मल्टी टास्क स्टाफ मिलेगा आपको। ठीक है, जो सर आपने वहाँ पे पोस्ट डाली थी आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे नाम मिल जाएगा। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी मिल जाएगा दोस्तों। जो आपका एग्जाम सेंटर आप देखिए परीक्षा स्थल, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मेरा है आईओनो डिजिटल जोन बस्त्रा आरपी, जो आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरा यहाँ पे है। ठीक है, जीटी रोड पे। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कृपया अपना न्यूनतम पासपोर्ट आकार का स्क्रीन फोटो जो भी ऑनलाइन आपने किया दोस्तों फोटो यहाँ पे चिपकाना। दोस्तों जो अपना फोटो यहाँ पे चिपकाना दोस्तों, आपको वही फोटो यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, जब एग्जाम देने जाओ तो दोस्तों आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सब इंट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही काम के होंगे। ठीक है, वो जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इनको पढ़े बगैर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि पता नहीं दोस्तों इसमें क्या मिल सकता है आपको। ठीक है, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये सब करने के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा, अपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।